हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजे में? चलो मजे में रहना। अच्छा जी, हमने डायमेंशन की फर्स्ट एप्लीकेशन कर ली थी बेटा, ठीक है। अब डायमेंशन की सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे बेटा, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे आज। अब आप ये मत कह देना सर सीरियल नंबर बुक में हमारे ही अलग है। आप पता है सीरियल नंबर से बेटा कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई भी आगे पीछे हो सकती है। तो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस क्या है? टू चेकिंग द इक्वेशन या रिलेशन, और इक्वेशन कुछ भी checking the relation or equation is correct or wrong, वो सही है या गलत है। डायमेंशनली हम ओनली डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, फिजिकली नहीं। मीन्स उसके साथ कॉन्स्टेंट टर्म क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म को हम फाइंड नहीं कर सकते उसको। बस ओनली हम ये कर सकते हैं कि डायमेंशनली वो सही है या नहीं है, डायमेंशन करेक्ट और रॉन्ग। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे देखेंगे सही है गलत है, उसके लिए क्या होगा बेटा? उसके लिए सीधी सी कंडीशन होगी। हम क्या निकालेंगे? डायमेंशन। इफ डायमेंशनल फॉर्मूले जो आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑन LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन RHS। अगर राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल आ जाए, देन रिलेशन इज करेक्ट करेक्ट और अदरवाइज रॉन्ग, अदरवाइज रॉन्ग। अगर वो ऐसे आ गई तो इक्वेशन सही है, नहीं तो गलत है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। नोट करो उसको एक बार, देखता हूं क्या सही है कि नहीं। एक बार बेटा एक मिनट, मैं कैमरे को एडजस्ट करता हूं, आप इसको एक बार नोट करो अच्छे से। एक बार तो नोट कर लिया आपने, तो क्या करवाया था मैंने, मैं बता रहा था आपको सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन किसके लिए काम आएगी, चेकिंग ऑफ करेक्टनेस के लिए। अब सीधे आते हैं क्या न्यूमेरिकल्स पे, ठीक। देखो बेटा, देखो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एच इज इक्वल टू टू सिग्मा कोस थीटा डिवाइड बाई आर रो, बोलते हैं इसको आर एच ओ रो जी। ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, इस डायमेंशन करेक्ट और रॉन्ग, इज क्वेश्चन सबका लिख देता हूं, एक ही होगा सबका, ठीक है। ये डायमेंशन करेक्ट और रॉन्ग, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे सभी। इसमें क्या कह दे रहा है, इसमें आपको पता होगा वेयर एच इक्वल टू एच है हाइट, सिग्मा है सरफेस टेंशन, एकाकी टेंशन होती है और टेंशन फोर्स होता है, ये सरफेस टेंशन। कोस थीटा का एंगल ही पता है आपको, आर है रेडियस, रो है डेंसिटी और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फाइंड करें कि इक्वेशन सही है या गलत है, तो सीधा सा क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले पुट कर दो बस, और क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए, ये तो बता कहा था मैंने आपको। तो डायमेंशनल फॉर्मूले बताओ, एच का क्या होगा, एन हो गया भाई इक्वल टू, टू का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन की लिमिटेशंस के अंदर आता है कि किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो टू का कोई डायमेंशन नहीं आएगा।
सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, लेंथ कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा एम टी माइनस टू, डायमेंशन आएगा एम टी माइनस टू। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, रेडियस का डायमेंशन होता है एल, डेंसिटी का डायमेंशन मास अपॉन वॉल्यूम एम एल माइनस थ्री, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू। ठीक है करो सॉल्व, एम से एम हो गया कैंसिल, इसका टी माइनस टू से टी माइनस टू हो गया कैंसिल, नीचे क्या बचा एल और एल, एल के पावर टू और एल के पावर माइनस थ्री, कितना बचेगा एल के पावर माइनस वन, एल के पावर माइनस वन ऊपर जाके क्या बचेगा एल के पावर प्लस वन, तो लेफ्ट में क्या है एल, राइट में क्या है एल, क्या होगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट, लिखेंगे जरूरी है। सो दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। अब मुझे बार बार डायमेंशन क्यों कर रहे हो, देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे दो नहीं भी लेता, नहीं भी लेता तो भी हमारा आंसर क्या था एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, दो के जगह चार भी होता तो भी क्या होता है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, होता कि नहीं होता। अगर यहाँ कोस थीटा होता या नहीं होता तो भी आंसर यही आता, कोस थीटा के जगह साइन थीटा होता तो भी यही आता, टेन थीटा होता तो भी यही आता, तभी इक्वेशन सही आती है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है कि यहाँ पे साइन हो जाए तो भी सही है, कोस हो जाए तो भी सही है, टेन हो तो भी सही है, दो के जगह चार हो तो भी सही है, छह हो तो भी सही है, ऐसा नहीं होता है। तो फिजिकली रिलेशन जो होती है उनको चेक नहीं करता है, ये ओनली डायमेंशनल रिलेशन को चेक करता है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है तो हमें नहीं, हम नहीं बता सकते कि दो के जगह चार आएगा छह आएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है तो बस ओनली हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली चेक करने के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ओके ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कर लिया नोट, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है t इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये आपको दिया गया क्वेश्चन वही है सेम, दिस इक्वेशन इज डायमेंशन करेक्ट और रॉन्ग ये बताना है। यहां पे t क्या है टाइम पीरियड, वेयर t इज टाइम पीरियड, अभी टाइम पीरियड किसी का भी हो सकता है, सिंपल पेंडुलम का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, l लेंथ है, एल के लेंथ और जी हुई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बताओ क्या आएगा, तो सबसे पहले इसका इजी कर सकते हैं हम, मैं दोनों को स्क्वेयर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सॉरी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर, ये बन जाएगा 4 पाई और अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एल बाय जी, डायमेंशन पुट कर दे तो टाइम का तो टाइम ही होगा ना, स्क्वेयर तो स्क्वेयर टी टू हो गया, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू क्या बना 4 पाई का डायमेंशन होता नहीं है, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा एल, जी का डायमेंशन होगा एल टी माइनस टू, एल से एल क्या हो गया कैंसिल, टी माइनस टू पर क्या बनेगा प्लस टू, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है टी टू, यहां भी कितना है टी टू, दोनों साइड का डायमेंशन क्या हुआ इक्वल हुआ, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, क्या लिखेंगे हम दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है अब वही बात फिर से, हो सकता है मैं 2 पाई या 4 पाई लिख दूं तो क्या आएगा तो भी बराबर आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इक्वेशन गलत हो जाएगा, तो फिजिकल रिलेशन गलत हो जाएगी, डायमेंशनल रिलेशन करेक्ट हो जाएगी, फिजिकली गलत और डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है नोट कर लिया, चलो और चलो आगे बेटा तुम, ठीक है नेक्स्ट।
ಏನು t equal to टू पाई आर स्क्वेर डिवाइड बाई जी एम स्क्वेर। अब बताओ इक्वेशन टेंट है या रो, क्या करोगे फिर भाई? क्या करते स्क्वेर कर दे, करो स्क्वेयर। क्या क्या है या तो पता है, बहुत सारे बातें। टी टाइम आर हो गया रेडियस, एम होता है मास, और एक कैपिटल सी किसके लिए होता है? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के लिए होता है बेटा, ये याद कर लेना एक चीज ये जी। यहां पे किसके लिए है? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट के लिए है, ठीक है? बाकी आपको सब पता है यहां पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? फिर वही स्क्वेयरिंग कर दे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, कितना आ जाएगा? टी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर, और इसका अंडर रूट हट जाएगा जी एम स्क्वायर। टाइम का डायमेंशन टी, तो टी का टी स्क्वायर ही होगा, फोर पाई का डायमेंशन होगा नहीं। आर का डायमेंशन होता है लेंथ, तो एल टू हो गया। जी डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टेंट एम एल एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। और मास का एम, तो एम टू हो गया, करो भाई सो। या टी टू, या क्या बसेगा? या एम माइनस वन है या एम टू है, तो नीचे क्या बसेगा? एम वन बसेगा। एम वन ऊपर जाएगा, क्या बसेगा? एम माइनस वन बसेगा, तो अपने आप रूट होगी क्योंकि टी टू ही होगी। उसके बाद यहाँ एल टू इससे कैंसिल हो गए, एल ऊपर जाएगा तो माइनस वन आएगा, एल माइनस वन आएगा, और टी माइनस टू पर जाके क्या बनेगा? प्लस टू। इसका मतलब यहां पे एनएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं है, एनएचएस नॉट इज इक्वल टू आरएचएस। क्या बोलोगे? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, डायमेंशन इज रॉन्ग ना बेटा। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, डायमेंशनली रॉन्ग, ठीक है? चलो नोट करो, हो गया। और चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर फोर। आपको समझ में आगे होगा करना क्या है सभी के अंदर, क्या सभी में रिलेशंस, सभी रिलेशंस का डायमेंशन निकालना है लेफ्ट और राइट का। चलो बोलो, एक है v इक्वल टू वन बाई लेमडा के बाई डी। क्या क्या है इसके अंदर? v स्पीड या वेलोसिटी है, v क्या स्पीड है या वेलोसिटी कह सकते हो, लेमडा है वेवलेंथ। बेटा हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ ना दे, तो आप इनको याद भी कर लें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये ऐसे रिलेशन है। तो लेमडा क्या होगा, वी क्या होगा, के यहां पे क्या है? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। बी क्या है? डेंसिटी। अब आप ये कहोगे सर आपने बल्क मॉडुलस का तो डायमेंशन नहीं लिखवाया, मैंने आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन लिखवाया था। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, याद है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, प्रेशर के इक्वल था। तो वही बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ही का जो डायमेंशन था वही इसका भी डायमेंशन होगा, सेम डायमेंशन होते हैं वो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उन सभी का डायमेंशन सेम होता है, लिख लेना वहां डायमेंशन में ये बात। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, प्रेशर, इन सभी का डायमेंशन सेम होता है। डायमेंशन पुट करो भाई सभी का, पहले स्क्वेयर कर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड।
कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा स्क्वायर, क्या आ जाएगा के बाई डी। डायमेंशन पुट कर लें, मैं बार पोज करके या आप खुद पोज करके इसको करके देखे, मैंने ट्राई करें कर देखा ट्राई आ जाएगा, आ जाएगा, बहुत आसान है। स्पीड का कितना है LT-1, क्या करेंगे स्क्वायर। वेवलेंथ, वेवलेंथ का क्या होता है L, L का हो गया स्क्वायर। बल्क मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है प्रेशर का M, L-1 T-2। डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम ML-3 करो भाई कितना आएगा, कितना यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा L2 T-2 बचेगा, ठीक है। यहाँ L2 और L-3 कितना बचेगा नीचे L-1 बच गया, L-1 से ऊपर L-1 क्या हो गया कैंसिल हो गया भाई, भाई L2 है L-3 है नीचे क्या बचेगा L-1, तो L-1 से हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास ऊपर, ऊपर बचा ही नहीं, M से M भी कैंसिल हो गया, ऊपर होने क्या बचा T-2 बस। तो उसका मतलब यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं है, LHS नोट इज इक्वल टू RHS, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, ठीक है। तो उसको करके देखना ये क्या आएगी, इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग आएगी, ठीक है। चलो आगे चलो, नोट कर लिया, मिटा दो, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू इज इक्वल टू 1/2 L T/N, यहां पे न्यू, ये न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, टी क्या है टेंशन, एन क्या है अपने मास पर यूनिट लेंथ, क्या है ये मास पर यूनिट लेंथ, अकेला जो एम है वो मास पर यूनिट लेंथ के इक्वल है और एल लेंथ आपको पता ही है कितना आ जाएगा बताओ। तो यहां डायमेंशन चेक करो उसका, डायमेंशन है करेक्ट और रॉन्ग बताओ, तो सॉल्यूशन करो उसका, क्या करें स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो यह आ जाएगा न्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 L² अंडर रूट कैंसिल T/M, डायमेंशन पुट करें सभी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है T-1 और T-1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे 1/4 का कोई डायमेंशन होता नहीं है, लेंथ का डायमेंशन हो गया L, तो L2 हो गया, ठीक है। उसके बाद टेंशन, टेंशन क्या है फोर्स के इक्वल है, तो फोर्स का होता है ML T-2 और M अकेला मास नहीं है, मास डिवाइड बाय लेंथ है, तो ये बनेगा ML-1। इसको थोड़ा ध्यान से देखें, अकेला ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, दिया मिलेगा मास होगा तो मास लिखा मिलेगा और मास पर यूनिट लेंथ है तो ये लिखा मिलेगा आपको, तो M से M कैंसिल हो गया और L-1 यह क्या है L2, तो नीचे क्या बसेगा L1 और L से हो जाएगा कैंसिल, हो गया कैंसिल। ऊपर क्या बसा T-2, इधर भी क्या बसेगा T-2, यहाँ है T-2, इधर भी क्या आ गया T-2, इसका मतलब दोनों साइड के अंदर दोनों साइड के डायमेंशन क्या है सेम है, LHS इज इक्वल टू RHS, सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट लिखना जरूर, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, हो गया। चलो और देखते हैं आगे का, हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उन इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या वो डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली करेक्ट उनका, देखो उनको भी होगा,
क्या क्या इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे फर्स्ट क्या था बेटा, वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, याद होगा क्या सही है नहीं है, तो देखो कैसे डायमेंशन पुट करो, स्पीड का डायमेंशन एल टी माइनस वन कर दिया भाई, ये भी स्पीड थी, ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी, तो ये भी कितना होगा एल टी माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है एल टी माइनस टू और टी का टी, क्या बचा यहां है एल टी माइनस वन इज इक्वल टू, ये भी क्या है एल टी माइनस वन, ये भी कितना आएगा एल टी माइनस वन। मैंने आपको इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में आपको समझाया था कि अगर कोई भी क्वांटिटी आपस में एड हो रही है या आपस में यहां पे माइनस भी होता है तो उसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड ऑल्सो गिव द सेम क्वांटिटी, इसका मतलब ये और ये अगर आपस में दोनों एड हो रही है तो दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी, देखो है ना ये भी क्या है LT माइनस वन, ये भी क्या है LT माइनस वन, इसका मतलब ये टोटल क्वांटिटी इस क्वांटिटी के क्या है इक्वली तो है ना। अब इन दोनों के एड होने से मैंने कहा था ये माइनस होने से जो क्वांटिटी आएगी वो भी जैसे ही होगी, देखो इन दोनों के एड होने से ये तो आ रही है, तो ये क्या तीनों क्वांटिटी सेम नहीं है, है ना, इसका मतलब तीनों क्वांटिटी को किसी का भी कोई भी इक्वल लिख सकते हैं, जो फर्स्ट वाली जो हमारे पास टाइप करवाई थी टू फाइंड द एनी कॉन्स्टेंट टर्म्स उन सब के लिए, तो इन सभी की यानी ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी, ये इसके इक्वल भी है, सभी का डायमेंशन एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन, तो किसी को भी आपस में इक्वल लिख सकते हो। तो अब हम ये चेक करने दीजिए सही है गलत है, तो सही तो है क्योंकि ये क्वांटिटी इन दोनों क्वांटिटी के सम से, अब सम से भी तो स्पीड में स्पीड ऐड करोगे, स्पीड में स्पीड ऐड करोगे, ऐसा तो नहीं स्पीड में मैं मास ऐड कर दूं, नहीं ऐड कर सकता, स्पीड में स्पीड ऐड होगी, मास में मास ऐड होगा, टाइम में टाइम ऐड होगा, टाइम में लेंथ ऐड नहीं हो सकती कभी भी, तो अगर ये स्पीड है तो ये भी स्पीड है, तो इसका डायमेंशन दोनों का क्या है सेम है, तो इसका जुड़ के किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल है, तो ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी ये क्वांटिटी तीनों क्वांटिटी क्या है सेम है, इसका डायमेंशन भी करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है। अगर यहां पे मान लो v इक्वल टू यू माइनस एटी होता, u माइनस एटी होता तो डायमेंशन भी तो करेक्ट ही आता, या माइनस तो सब्ट्रैक्शन होता, सब्ट्रैक्शन भी क्या करता है सेम आता है, तो सब्ट्रैक्शन सेम आ रहा है, तो डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि माइनस नहीं होता इसमें, क्या होता है प्लस होता है फिजिकली रिलेशन के अंदर, ठीक है। सेकेंड कौन सी थी, सेकेंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इसमें भी चेक करने हैं कि क्या अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या ये भी डिस्प्लेसमेंट है, क्या यह भी डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हम कह सकते हैं ठीक है इन दोनों का सम सेम ही आएगा और डिस्प्लेसमेंट की इक्वली होगा करके, देखो डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन एल, यू डायमेंशन एल टी माइनस वन, टाइम डायमेंशन टी प्लस हाफ का कोई डायमेंशन होता नहीं है, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, टाइम टी टू, हो गया कितना आया बताओ, इधर बचा एल, यहां क्या बचा टी माइनस वन टी कैंसिल, क्या आया एल प्लस टी माइनस टू कैंसिल, क्या बचा एल बताओ, आया कि नहीं आया, आया ना, ये भी डायमेंशन, इसका डायमेंशन कितना है एल, इसका डायमेंशन कितना है एल, और दोनों को एड करने से भी क्या आएगा एल, इसका मतलब ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, ये आपस में इक्वल तो नहीं, डायमेंशनल इक्वल है, बार बार बोलो मैथमेटिकल इक्वल नहीं है, डायमेंशनल इक्वल है, ठीक है। तीसरी कौन सी थी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एस, पुट करें डायमेंशन, तो v का डायमेंशन क्या होता है एल टी माइनस वन स्क्वेयर कर दो, u का डायमेंशन भी क्या होता है एल टी माइनस वन स्क्वेयर कर दो, इज इक्वल टू टू रहने दो एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट l रखो, देखा एल टी माइनस वन का इसका कंप्लीट अगर करेंगे हम तो ये बचेगा एल टू टी माइनस टू, यहां भी क्या आएगा एल टू टी माइनस टू, ठीक है। उसके बाद में ये भी करेंगे तो एल और एल, ये भी एल टू टी माइनस टू, देख लो सर ये भी वैसे ही है, तीनों क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है सेम है,
ये नहीं, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही थी तो ये तो सेम होनी होनी थी, और इन दोनों की इक्वल क्या आएगा, ये भी आएगा। इसका मतलब ये फिजिकली फिजिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी क्या है, करेक्ट है। तो ये थे हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड डायमेंशन, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या, टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, किसी भी रिलेशन को डायमेंशनली करेक्टनेस करनी चेक करनी है सही है या गलत है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थर्ड एप्लीकेशन लेके चलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो, बाय, गुड बाय। अगर आपको ये लेक्चर सही पसंद आया, आपको सही समझ में आया, सब कुछ सही लग रहा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है बेटा, ओके बाय।